पीछे उस साइड से बंद करते हैं, इस साइड से उधर उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह करे आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहें, अपने घरों में आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं बाबा के घर पे। छोटा भाई हमें लेने के लिए आ रहा है और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं यार। वैसे वाकई ननियाल में जाने से ना ननियाल में जाने के लिए हम भी बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे। हमें याद है जब हम छोटे होते थे और अम्मी के साथ जब ननियाल जाते थे, खाला के घर, मामू के घर, सबके घर साथ साथ होते थे, तो वो बड़ा ही एक अच्छा सा एक फीलिंग आती थी। ऐसे ही अब इस वक्त मेरे बच्चों में ये खुशी है। हाँ जी अहमद हसन, कहाँ जाना है आपको बताओ? कहाँ जाना है? गाड़ी पे। गाड़ी पे किसके घर जाना है? अबू जी घर जाना है भाई। ये बाबा को अबू जी कहते, मतलब नाना अबू को अबू जी कहता है, ठीक है। और अहमद हसन आप कहाँ जाना है? मोहम्मद अहमद से मिलने। तो जी हाँ भाई, इन्होंने अपने मोहम्मद अहमद से मिलने जाने में बेटे ने। ओके चलो फिर अभी हम चलते हैं और वहाँ जाके मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड वीडियो को, जल्दी से बोलो, दोनों बच्चे सामने खड़े होके बोलो। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आप भी बोलो। वॉशरूम का दरवाजा खुला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उधर चल के मिलते हैं आपसे जनाब। अब हम जा रहे हैं, भाई लेने आ गया था, तो अभी हम जा रहे हैं डैडी के घर पे। बच्चे जो ना वो बहुत एक्साइटेड हैं। तो अहमद बेटा घर जाके पी लेना ना पानी। अहमद हसन कहाँ जा रहे हैं आप? अच्छा मोहम्मद अहमद घर। आसान आप कहाँ जा रहे हो? मामी घर। मामी घर। तो नहीं करो ना मेरा बेटा। तो चले भाई चलते हैं डैडी के घर पे और बाबा के घर पे और मेके में और सारे घरों में, यानी कि कोई भी घर के भाई के घर पे। हाँ सारे घर ही है। तो चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं, देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। व्लॉगिंग आती है भाई मेरे बेटे को। हेलो गाइस, वेलकम बैक। बोलो आप कैसे हैं? शेयर भी करें और प्यारा सा कमेंट करें। आजो इधर, क्या करना है? उधर अंधेरा है, अंधेरा। आओ इधर जाएं, इधर खेलते हैं। आज कुछ पुरानी पुराने सब्सक्राइबर्स के साथ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको तो कुछ कुछ याद आ रहा होगा, और जो नए हैं उनको तो कुछ भी नहीं याद आ रहा होगा। पुराने सब्सक्राइबर्स आपसे मुखातिब हूँ, बताएं आपको क्या याद आ रहा है। अच्छा मुझे ये भी कमेंट्स आते थे कि आपके ना बाबा वाले घर के व्लॉग्स है ना मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो चलें भैया आज मैं बाबा के घर से व्लॉग बना रही हूँ। और ये रहा मेरा गुड्डा। गर्मी बहुत शुरू हुई आज, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, बाइक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आओ, साइकिल चलाएं। यहाँ ना मेरा ख्याल है लाइट इसकी ख़राब है। आओ अंदर आओ, चल दिया आज। ओ हस्बी अल्लाह, मेरा बेटा गिर गया। इधर से गिला था मेरा बच्चा। ओ क्या अच्छे गिर गया, अच्छे गिर गया। अच्छा तो अंदर आ जाओ, आओ साइकिल चलाते हैं। अच्छा खड़े तो हो जाओ, आओ साइकिल चलाए। अच्छा कोई बात नहीं, सुन आ रहा है। छोड़ो भैया छोड़ो, मैं तो सुन आ रहा है। और चलते हैं जरा अपने रूम में। ये क्या है मदरसन ने किया, ये क्या हो रहा है? यादें हैं कुछ अपने घर की
बाबा के घर की और पुरानी यादें। यहाँ पे भाई है आजकल छोटे वाला, तो ज़रा थोड़ा सा कमरा जो है वो दिख रहा है। खैर इग्नोर कर दें, अपने पुराने बेड पे थोड़ी देर रिलैक्स होके देखते हैं क्या। वेलकम बैक। ये देखें जनाब, मैं ना भाभी जैसे ही ना इसका दम बंद करके गई है ना, मैंने अपना कैमरा उठाया और पहुंच गई। मैंने कहा जल्दी से रिकॉर्ड कर लूं। ये देखें इतने मज़े के पुलाव बनाए ना, गले का पता नहीं क्या हो गया। भाभी कहती कि ना बाकी बीफ और मटन खा खा के ना आप चिकन पे दिल चाह रहा था, तो आज मैंने कहा थोड़ा चेंज हो जाए। ये और बड़ी भूख लग रही है, मैं खाना खाती हूँ बाद में आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा जी, यहाँ पे रात को तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था और अतीक साहब मुझे लेने आ गए थे और मैं बस अतीक से कुछ हंसी मजाक की बातें कर रही थी। मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा कि कुछ बातें मैं इस तरह से कर रही थी फ्रेंकली कि मुझे लगा कि बाद में शायद इस पर कोई भी जो है ना वो एतराज़ात ना होना शुरू हो जाए, तो मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया। कुछ हद तक मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं किस तरह की बातें कर रही थी। मैं अतीक से ये कह रही थी, अतीक देखो ऐसे ही एक दिन आप मुझे लेने आए थे, मतलब जब शादी हुई थी हमारी, यानी मैं कह रही थी आज आप मुझे लेने आए हैं, चले रही कि मैं रेडी हो रही हूँ, ऐसे आप मुझे लेने आए थे मेरी शादी जब हुई थी, जब हमारी शादी हुई थी। तो लेकिन मेरा जहेज़ जब कुछ अभी तक यहीं पे रखा हुआ है। जहेज़ मतलब मेरी ये देखे ना कुछ मेरी वॉशिंग मशीन और जो कुकिंग रेंज है ना वो अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है एज इट इज़, क्योंकि मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह जब अल्लाह पाक हमें अपना घर हमारा बन जाएगा ना, तो वहाँ पर हम मैं इसको जो है ना वो इंस्टॉल करवाऊँगी। अतीक से कहती अतीक जहेज़ मेरा अभी तक यहीं पे रखा हुआ है, और एक दिन था जब मुझे लेने आए थे और एक आज फिर एक ऐसा दिन है कि आज भी मुझे लेने आए हैं। बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था और साथ साथ में मैं अतीक से ये कहती है अतीक ये जो बेड है ना, ये बेड मैं दिखाना चाह रही थी। मैंने कहा मुझे याद है काफ़ी साल पहले की बात है, मैंने ना इसको मैंने चाहा था कि इसको मैं थोड़ा सा ना कलर पेंट करती हूँ, और पेंट मैं इसको किस चीज़ से कर रही थी, पर्पल कलर की नेल पेंट के साथ करने की कोशिश की थी, और बस ऐसे ही देखा ना एक फूल इसका हुआ था लेकिन फिर नहीं हो रहा था। मतलब कहने का मतलब ये कि ना पुरानी सारी बातें रिकॉल होना शुरू हो जाती है, पुराना टाइम। ये था मेरा वो बेड शादी से पहले का जो बड़ा मुझे प्यारा लगता था और मुझे बड़ा प्यारा मुझे अब भी प्यारा ही लगता है, क्योंकि इस पेज में बता रहा है टाइम गुजरा हुआ है, तो आपको पता है कि अपनी जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके साथ तो एक पुराना ही लगाव होता है। तो मैं अतीक से कह रही थी कि अतीक ये देखें पता नहीं क्या कर रही थी, पर आगे मैं कोशिश करती हूँ कि जो रियल वॉइस है वही शेयर करूँ ताकि आप लोग जो है ना वो खुद ही देख लें, और अगर कोई इस तरह की बात लगे जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो तो इग्नोर कीजिएगा, बस छोड़ दें यार, हर बात को पकड़ना नहीं होता, कभी कभी किसी बात को इग्नोर भी कर देना होता है। खैर खाना खाना अतीक ने कोई नहीं इतना खास खाया क्योंकि जिम से आए थे, ये जिम में ज़ाहिर है अभी उन्होंने डाइट शुरू की है, तो पहले कहती थी मैं ब्रेड खाऊँगा फिर थोड़े से राइस खा लिए, और मैं कहती थी कि अब थोड़े से मोटे हो गए हो। मैंने तो यहाँ पे जो इमेजिनेशंस थी मेरी इस रूम में ख्वाबों के शहजादे की, वो शहजादा ये है जो कि अब मोटा हो गया। इस तरह की मैं बातें कर रही थी जिसको मैंने जो वॉइस ओवर करना बेहतर समझा है, बाकी जो है वो आगे आप खुद ही देख लें। आवाज़ ऐसे करना इसकी। चलें जी अब हम लोग जा रहे हैं, दरवाज़ा ना खोलना बेटा बुरी बात। तो ये देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सारी दुकानें बंद ही पड़ी है। ये दुल्हन रुखसत होके जा रही है और ये देखिए इस वक्त दो बच्चों के साथ दूल्हा गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा है और दुल्हन पीछे बैठी है, और दुल्हन ने फीडर शीडर पकड़े हुए, बच्चों के पैंपर वाला बैग पकड़ा हुआ है, और मेके से रुखसत होके जा रहे हैं। और मेके से जब भी बंदा रुखसत होने लगता है ना तो दिल में खींच सी पड़ती है, पता नहीं क्यों। क्या ख्याल थी का आपका? तो जो महसूस कर रही हूँ मैं, और मेरा ख्याल है कि हर लड़की महसूस कर सकती है। चले भाई घर की तरफ चलते हैं, और बाबा ने कहा आप लोग गाड़ी पे जाओ, भाई जो वो बाइक लेकर आ रहा है, तो चले भाई मिलते हैं आपसे। ये था मेरा मेके का टूर, आई होप आप लोग को मजा आया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया भाई, मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। जी बेटा अब्बू जी के घर से अब हम घर जा रहे हैं, बाय बाय अब्बू जी। झूला
वो तो जब रुख्सत होके जाते हैं तो फिर रास्ते में आइसक्रीम भी खिलाते हैं। तो यहाँ पर जी स्वीट क्रीम पर बाबा हमें खिलाने लगे हैं, मतलब के बच्चों के बाबा हमें खिलाने लगे हैं आइसक्रीम। और जब हमारी शादी मतलब रुख्सत हुई थी ना मैं, तब भी अतीक ने हमें मैकडोनल्ड से आइसक्रीम लेके दी थी। तब तो मैं इतना रो रही थी ना कि तब तो मुझे खाने का वो कुछ हुआ नहीं, मुझसे बस एक से दो शायद मैंने स्पून लिए होंगे, वो भी ज़बरदस्ती। जब खाला आती थी उन्होंने कहा था नहीं नहीं ऐसे ना नहीं करते, खाते हैं ज़रूर खाओ, तो बस मैंने इस वजह से खा लिया था। बेटा इसको खोलना नहीं है दरवाजे को, इधर बैठ जाओ आराम से। ये सालन भाभी ने मुझे डाल के दिया, ये देखें यार मैं आपको दिखाती हूँ, ये हर दफ़ा भाभी मुझे साथ में खाना भी देती हैं। ये नहीं खुल रहा मेरे से इस टाइम, सालन है ये चावल है यार, सही होके बैठ जाओ ना अहमद हसन। चलें भैया आइसक्रीम लेते हैं फिर घर चलते हैं। अच्छा सर दे रहे हैं। यहाँ पर स्वीट क्रीम की हमें जो है वो आइसक्रीम मिल गई थी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, आप लोग को पता होगा। खैर ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरा ये मेके का व्लॉग। अगर आप भी आज की वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।